नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अनाथ कौन, एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। तो चलिए सुनते हैं अपनी आज की कहानी, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए सुनते हैं कहानी। आज एक बेटा अपने पिता को अनाथ आश्रम छोड़ने आया था। साथ में पिता के सारे कपड़े और कुछ जरूरी सामान का बैग भी लाया था। बेटा अनाथ आश्रम के मैनेजर से सभी जरूरी बातें करने के बाद जब पिता को वहीं छोड़कर जाने लगा, तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन उसकी पत्नी का था, जो दूसरी तरफ से पति से कह रही थी कि सुनो जी, वापस आने से पहले ससुर जी से ये जरूर कह देना कि छुट्टी या त्योहार पर हमसे मिलने नहीं आएंगे तो चलेगा। आप अब वहीं खुशी से रहिए और समय मिलने पर हम लोग ही उनसे मिलने आश्रम आ जाएंगे। फोन रखने के बाद बेटे की नज़र अपने बूढ़े पिता पर पड़ती है, जो अनाथ आश्रम के मैनेजर से खूब हंस हंस कर बातें कर रहे थे और काफ़ी खुश भी लग रहे थे। बेटे को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। वह सोचने लगता है कि आखिर उसके पिता अनाथ आश्रम के मैनेजर को जानते कैसे हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब पिता मैनेजर से दूर जाते हैं, तब बेटा मैनेजर के पास पहुंच जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर आप मेरे पिताजी को कैसे और कब से जानते हैं। मैनेजर बेटे को बताता है कि मैं तुम्हारे पिता को कई सालों पहले से जानता हूं, जब वो अनाथ आश्रम में एक अनाथ बच्चे को गोद लेने आए थे। दोस्तों कुछ समझ में आई बात? जी हाँ, ये वही अनाथ बच्चा था जिसे गोद लेकर उन्होंने बड़े प्यार से पाला पोसा था और ये एहसास तक उसे नहीं होने दिया कि वो एक अनाथ बच्चा है। अब आप ही बताइए, सच में अनाथ कौन है? वह बेटा जो अपने बाप द्वारा बिना उसे बताए किए गए इतने बड़े उपकार के बदले उनके आखिरी समय में इस तरह से उन्हें ठोकर मार रहा था, या वह पिता जिसने एक अनाथ बच्चे को निस्वार्थ भाव से इतना प्यार दिया था? दोस्तों हम सभी को अपने माता पिता की कदर करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि उन्होंने हमसे क्या क्या छुपा रखा है, कितने बलिदान कितने त्याग उन्होंने आपके लिए किए हैं, शायद हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए इस अथाह प्यार दुलार बलिदान और त्याग के बदले हम उन्हें मान सम्मान और प्रेम दें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन अवश्य करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।